Yesterday, I have discussed with you how Hitler, he destructed democracy and established dictatorship. And even I have discussed with you two points, Fire Decree and Enabling Act. Enabling Act was passed in 3rd March 1933. Okay? 3rd March 1933. And Hitler enabled Germany as a dictator country and destructed democracy in the country. Clear? Okay? It is clear? Yes, Divya? Okay. Thank you, brother. Now, next, इसके बाद फिर हमने बताना है हिटलर ने और आगे डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की. ठीक है, थर्ड हम बताएंगे ही एस्टेब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स किन के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स? दोज हु अपोज हिटलर. He established concentration camps for those who opposed Hitler. और इसके लिए उसने क्या किया? 52 type of communities were considered undesirable. इन communities को उसने क्या किया? Undesirable जो है declare कर दिया. Undesirable में बहुत सी list communities की निकाल दी और सबसे ऊपर किसको रखा? Jewish, जिनको वो जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता था और वो चाहता था कि उनकी आगे आने वाली जो रेसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाए. एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल हु अपोज हिटलर दे वर अरेस्टेड एंड पुट इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को प्रिजन की तरह, जेल की तरह रखा, उनको रखा जाता था, प्रिजनर्स की तरह. उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो सर्विलेंस किया जाता था, उनके ऊपर नजर रखी जाती थी. एंड सम टाइम दे वर डिपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री आल्सो. कई बार तो उनको कंट्री से डिपोर्ट भी कर देते थे. और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के आसपास इलेक्ट्रीफाइड वायर्स होती थी कि अगर वो उनको क्रॉस भी करेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है. तो इट मीन्स एट दैट टाइम पीपल हु अपोज हिटलर इवन फ्रॉम हिज पार्टी दे वर अरेस्टेड एंड पुट इन टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. They were detained, they were arrested without a case, without a trial, and they can be deported and they can be punished also. So this was the third point for how Hitler he destructed democracy and established. Uski dictatorship hi thi na, ki koi person usko oppose nahi kar sakta. Otherwise, democratic countries mein we have been given right to oppose. ठीक है, but aisa nahi. Then he also appointed secret police appointee not in uniform. इसको क्या कहा गया? गेस्टापो. secret police, ठीक है, secret police, गेस्टापो, secret police, ताकि उन लोगों पे नजर रखी जाए. और भी इसके अलावा उसने पुलिस के अलग अलग जो है स्क्वाड्स बनाए. SA SS SD, ये आगे स्क्वाड्स का मतलब होता है कि कंट्री में या सिटी में प्रॉपर जो है क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए क्रिमिनल पुलिस जो है उसने अपॉइंट की. और कई बार तो ये यूनिफॉर्म भी नहीं होती थी ताकि सोसाइटी में, कंट्री में क्रिमिनल्स के ऊपर प्रॉपर जो है वो वॉच किया जा सके. देन नेक्स्ट इज टॉर्चर चैम्बर्स. टॉर्चर चैम्बर्स, टॉर्चर, किनको टॉर्चर किया जाता था? जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अरेस्ट करते थे वो फिर भी हिटलर को अपोज करते थे. दे वर टॉर्चर्ड, दे वर डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल, उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता था. और कई बार तो टॉर्चर चैम्बर जो होते थे यहाँ पर एक काइंड ऑफ सेल्स का मतलब होता है अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते थे. और उन कंपार्टमेंट्स में जो है वो वॉशरूम जो होते थे, उन वॉशरूम्स में पानी की जगह पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज होती थी. एंड मैनी टाइम्स दीज क्रिमिनल्स, दोज हु वर अरेस्टेड ड्यूरिंग हिटलर, दे वर पुट इनटू टॉर्चर चैम्बर्स, दे वर बीटन अप,
वहां से उनको लेबर का काम करवाया जाता था। एंड जो वॉशरूम्स होते थे उनमें फेक शावर्स यानी कि पानी की जगह पॉइजनस गैस होती थी। एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस पॉइजनस गैस मैनी पीपल दे सफोकेटेड एंड दे वर किल्ड ऑल्सो। तो दिस काइंड ऑफ हिटलर, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दिस काइंड ऑफ टॉर्चर कैन बी सीन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी। So this was a way how Hitler, he destructed democracy and established dictatorship. Clear? अभी ये तो बच्चे था उसका सारा negative. ठीक है, हमने उसके बारे में negative ही बताना था क्योंकि हमने ये बताना है कि उसने democracy को खत्म कैसे किया और dictatorship कैसे establish की। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि Hitler ने party के साथ या लोगों के साथ कुछ promises भी किए थे कि जब वो power में आएगा वो full employment देगा, safe future देगा। लेकिन ये प्रॉमिसेस धीरे धीरे खत्म होते गए। लेकिन उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे कि जर्मनी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉर पॉलिसी। रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉर पॉलिसी यानी कि हमने ये बताना है इसमें कि हिटलर ने किस तरह से जर्मनी में रिकंस्ट्रक्शन किया, किस तरह से जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया। ठीक है, और लोगों को जो प्रॉमिसेस किए थे क्या उसने पूरे किए, कुछ को पूरा किया लेकिन कुछ को नहीं, कैसे किया। ठीक है, नंबर वन वॉक्स वैगन कार प्लांट, और इसके लिए हिटलर के एक फ्रेंड थे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था हल्मर सैशे। हिटलर के एक फ्रेंड थे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था हल्मर सैशे। हल्मर सैशे एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे एंड ही एडवाइज हिटलर, और हिटलर ने उसकी एडवाइस को मानकर जर्मनी में रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी स्टार्ट की और कार प्लांट वॉक्सवैगन, वॉक्सवैगन जर्मनी का ब्रांड है कार का, ही मैन्युफैक्चर्ड कार प्लांट इन जर्मनी। और इससे क्या हुआ, काफी हद तक कार की कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल किया गया और लोगों का ड्रीम था उस टाइम पीरियड में कार को खरीदना, तो बहुत से लोगों ने कार परचेज की और इस तरह से हिटलर ने काफी लोगों को अपनी तरफ किया ये पॉलिसीज अडॉप्ट करके कि लोगों का ड्रीम था, पीपल ड्रीम्स कार वॉक्सवैगन, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके कार प्लांट को जर्मनी में लगाकर कॉस्ट को रिड्यूस किया गया और इस तरह से लोगों का जो ड्रीम था कार खरीदने का वो पूरा हुआ। ठीक है, इसके साथ ही उसने क्या किया, सुपर हाईवेज, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, रोड्स, ताकि लोगों को काम मिले, जो लेबर क्लास है लेबर फ्री रहते थे उनको काम मिले। सुपर हाईवेज बनाने से क्या होता है, जो भी बिल्डिंग मटीरियल होता है ठीक है वो कंट्री में उसकी डिमांड बढ़ती है, लेबर जो है काम करती है, और इस तरह से लेबर अगर काम करेगी तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो काफी हद तक उसने कंट्री में लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सुपर हाईवेज जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी विद द एडवाइस ऑफ हल्मर सैशे, हल्मर सैशे के साथ। ठीक है, क्योंकि वो उनके बहुत एक गुड एडवाइजर थे जो उनको रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एडवाइस दे। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसका मतलब क्या है, जो कंट्रीज इस एसोसिएशन का पार्ट होंगी वो वॉर कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जर्मनी लीग ऑफ नेशन का मेंबर था। ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी से क्लॉज साइन करवाया गया था कि जर्मनी नेक्स्ट जो है वो वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, 1933 में अपने आप को लीग ऑफ नेशन से निकाल लिया, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नाउ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन, क्योंकि अब वो वॉर प्लान कर रहा था विनर कंट्रीज के अगेंस्ट। इन विनर कंट्रीज ने उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हराया था, ही वॉज प्लानिंग अटैक ऑन दीज कंट्रीज। ठीक है, और इसके लिए उसने क्या किया, ही इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, उसने कंट्री में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू कर दी, स्टार्टेड टू मच इन्वेस्टिंग ऑन आर्म्स एंड एमिनेशन वेपन्स,
हलमर सेशन ने उसको इस चीज के लिए रोका भी, लेकिन हिटलर ने उसकी बात को नहीं माना एंड ही प्लानिंग फॉर वॉर। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो जिस वॉर के लिए वो प्लान कर रहा है वो अल्टीमेटली वो वॉर जर्मनी के लिए और उसके लिए आगे जो है वो कितना बैड इम्पैक्ट जो है वो लेकर। एंड इस तरह से उसने डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एंड ही स्टार्टेड मेकिंग जर्मनी अ वॉर कंट्री। वॉर कंट्री डिक्लेयर कर दिया उसने। और सबसे पहले उसने क्या किया, आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी का इंपॉर्टेंट एरिया राइनलैंड जो विनर कंट्रीज ने ले लिया था ना, तो उसने क्या किया, ही अटैक ऑन राइनलैंड रीऑक्यूपाई। रीऑक्यूपाई का मतलब अपना एरिया वापस ले लिया, रीऑक्यूपाई राइनलैंड इन 1936। उसने 1936 में राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे उसने बाकी कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बाकी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के साथ जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक अपने आप को उनका एनिमी बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 1938 में कंबाइंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया कंबाइन हो गए, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया 1938 में कंबाइन हो गए, ठीक है। आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है कंबाइन एरिया, ठीक है, कंबाइन एरिया हो गए, वन लीडर वन एम्पायर वन जो है वो नेशन, और उसके अंडर उन्होंने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को कंबाइन कर लिया। एंड 1939 में फिर उसने क्या किया, ही अटैक ऑन पोलैंड। पोलैंड जो उस टाइम पे विनर कंट्रीज का पार्ट था, ही अटैक्ड ऑन पोलैंड एंड विद दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई, 1939 to 1945। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 ही अटैक्ड ऑन पोलैंड, और इस तरह से अगर उसने पोलैंड पे अटैक किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी भी कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड कंट्रीज थी, कौन सी अलाइड कंट्रीज थी, ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया, दे बिकेम एनिमी ऑफ जर्मनी एंड डिक्लेयर वॉर। अब 1939 में जर्मनी को लगा कि वो अकेला इनके साथ जो है वो नहीं लड़ पाएगा, इसके लिए कुछ और कंट्रीज भी जर्मनी के साथ मिल गई, ठीक है, अपने इंटरेस्ट जो है अपने प्रॉफिट के लिए। कौन सी कंट्रीज, इटली एंड जापान। 1940 में तीनों कंट्रीज का ग्रुप बन गया जिसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है इसमें तीन कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तीन कंट्रीज कौन सी थी जिनको एक्सिस पावर्स कहा जाता है, जर्मनी इटली एंड जापान, क्लियर। अब हम ये देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज जो हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी, एक तरफ थी अलाइड कंट्रीज ब्रिटेन फ्रांस रशिया यूएसए, और एक तरफ थी एक्सिस कंट्री जर्मनी इटली एंड जापान। कौन से ईयर में इन्होंने ट्राइपार्टाइट जो है वो एक्ट साइन किया कि तीनों कंट्रीज मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ेंगी, 1940, ठीक है। और इस तरह से 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो पूरे पीक पे थी। ऑल द कंट्रीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड दे वर अटैकिंग ईच अदर, ठीक है। और उसके बाद 1941 में जर्मनी ने रशिया के ऊपर यानी कि यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर दिया। इन द ईयर 1941 जर्मनी अटैक ऑन यूएसएसआर रशिया। लेकिन स्टार्टिंग में लग रहा था कि जर्मनी शायद जीत जाएगी क्योंकि यूएसएसआर, आपको याद होगा रशियन रेवोल्यूशन का आपने पढ़ा होगा कि रशिया की ना बहुत वीक कंडीशन थी कंट्री के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपने पढ़ा, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूएसएसआर के अंदर बहुत वीक कंडीशन थी, तो जिससे लग रहा था कि शायद यूएसएसआर जो है वो जर्मनी से हार जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज अदर कंट्रीज वर आल्सो सपोर्टिंग यूएसएसआर एंड इवन ग्रुप ऑफ ब्रिटेन फ्रांस रशिया वॉज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एक्सिस पावर्स, ठीक है। एंड यही एक रीजन था कि कहीं ना कहीं जो है जर्मनी इटली जापान जो थे वो तीनों कंट्रीज
अलाइड कंट्रीज के ग्रुप के सामने नहीं टिक सके। और सबसे बड़ी गलती जापान ने क्या की, 1945 में यूएस नेवल बेस, मिलिट्री का बेस जैसे होता ना, नेवी का बेस जिसको बोलते हैं पर्ल हार्बर, हार्बर प्लेस होता है, पोर्ट एरिया, ठीक है, जहां पे नेवी शिप्स जो है वो रुकते थे, उनमें आर्म्स एंड एमिनेशन स्टोर किया जाता था। तो जापान अटैक ऑन 1945 में किया, जापान अटैक ऑन यूएस बेस, नेवल बेस पर्ल हार्बर, और जिससे क्या हुआ, यूएसए जापान के अगेंस्ट हो गया, और बदले में जिसमें कहते हैं ना कि अब पहले जापान ने यूएसए पे अटैक किया, तो यूएसए ने इसका बदला कैसे लिया, यूएसए ड्रॉप बॉम्ब ऑन टू सिटीज, हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान की दो कंट्रीज, यूएसए ड्रॉप बॉम्ब ऑन टू सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, and these two countries totally destructed and Japan was defeated in the second world war. Japan ki bhi defeat ho gayi, Italy ki bhi defeat hui, ab reh gaya sirf Germany. To Germany mein ab Hitler ko lag raha tha ki wo akela in winner countries ke sath aage war nahi continue kar sakta, aur isiliye 1945 mein Hitler committed suicide under Berlin. Berlin place ka naam bunker, बंकर क्या होते हैं, टनल्स, जैसे जमीन के अंदर रहने के लिए सोल्जर्स कितने कितने दिनों तक बंकर्स में रहते हैं छुपके ना, तो बंकर्स जो हैं उनके अंदर हिटलर ही कमिटेड सुसाइड। एंड नेक्स्ट डे व्हेन हिटलर्स बॉडी वाज फाउंड द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड कि इतना बड़ा पावरफुल लीडर जो है उसने इस तरह से कैसे किया, बिकॉज एट दैट टाइम यू वी कैन से दैट हिज कंट्री जर्मनी जो है दैट कुड नॉट सर्वाइव अगेंस्ट अलाइड कंट्रीज, वो अलाइड कंट्रीज के सामने सर्वाइव नहीं कर सकता था, एंड उसको ये डर था कि अगर वो इन विनर कंट्रीज के हाथ में लग गया तो उसका क्या अंजाम होगा, है ना, सो दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो ये था सारा उसका रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉरफेयर पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें आपने सारा हिटलर की हमने पूरी जो है वो लाइफ के बारे में हमने बताया कि पहले उसकी लाइफ पॉलिटिकल करियर, फिर उसके बाद उसका एक नेगेटिव शेड में हमने बताया डेमोक्रेसी कैसे उसने डिस्ट्रक्ट की और डिक्टेटरशिप कैसे एस्टेब्लिश की। फिर हमने सारा उसका बताया रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉर पॉलिसी कि कैसे उसने पहले रिकंस्ट्रक्शन की, लेकिन बाद में उसका मेन टारगेट क्या था, जर्मनी की कंडीशन को वापस लाना, पर ऐसा नहीं कर पाया बिकॉज अल्टीमेटली उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना ज्यादा अपनी कंट्री को लॉस करवा दिया कि ये लॉस आगे रिकवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम आगे करते हैं फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग, यानी कि नाजी पार्टी की थिंकिंग क्या थी जो हिटलर सोचता था, हिटलर थिंकिंग आए चाहे नाजी थिंकिंग आए सेम थिंग, नाजी थिंकिंग कह लो या फीचर्स कह लो, आइडियोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, आइडियोलॉजी फीचर्स। इसमें हमने बताना है कि नाजी पार्टी और हिटलर की थिंकिंग क्या थी, है ना, तो दोनों की थिंकिंग सेम ही होगी, जो हिटलर सोचता था वही नाजी पार्टी सोचती थी। नंबर वन, रेशियल स्टेट, मैंने आपको बताया कि हिटलर अपनी नॉर्डिक आर्यन रेस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था, सो दैट्स व्हाई उसने बाकी जितनी भी 52 कम्युनिटीज जो थी उनको अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया। सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन किनकी थी, ज्यूइश, सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी ज्यूइश की, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी, और उसने अपनी आर्यन रेस को सबसे टॉप पे रखा और वो चाहता था कि इसकी रेशियल स्टेट में सिर्फ उसकी रेस ही सरवाइव करे, ठीक है। और इसीलिए उसने क्या किया, ही बोरोड मैनी आइडियाज फ्रॉम थिंकर्स, बहुत से आइडियाज जो हैं उसने साइंटिस्ट जो हैं या थिंकर्स
उनको अपने आर्टिकल्स अपनी बुक्स में लिखा ताकि लोग उसके पॉइंट्स जो भी वो अपनी रेस के बारे में सोचता है वो उसको जस्टिफाई करो। इसके लिए उसने क्या किया, दो मेन साइंटिस्ट की थ्योरी, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी थ्योरीज को अपनी बुक्स में अपने आर्टिकल्स में लिखा। उसने कहा कि डार्विन और स्पेंसर के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो बेस्ट प्लांट्स या एनिमल, बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट एनिमल, ठीक है, eliminated.